भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। और इस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। वो दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली में पानी की त्राही त्राही मचाने के लिए, दिल्ली में आ रही यमुना की वाटर सप्लाई को रोक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हुई, जहां पे कभी पानी की शिकायत नहीं आती है, उसकी जांच करने पे पता चला कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। जो यमुना का स्तर एक नॉर्मल समय पर वजीराबाद में 674 फीट होता है, जब कम भी होता है तो वो ज़्यादा मतलब लोएस्ट पॉइंट पर 672 फीट तक चला जाता है। लेकिन 11 मई से लगातार कल 21 मई तक हरियाणा धीरे 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 करके दिल्ली का पानी रोक रहे हैं। 11 मई को ये स्तर 671.6 फीट पे था, 3 दिन ये 671.6 पे बना रहा, 14 और 15 मई को ये 671.9 पे गया, 16 मई को ये 671.3 पे नीचे आया, 17, 18, 19 मई को ये और नीचे आ गया, ये 671 फीट पे आ गया, और कल 21 मई को मुझे लगता है शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट के भी नीचे आ गया और 670.9 फीट मात्र पर रह गया। ये आंकड़े क्या दिखा रहे हैं? ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 25 मई की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी अब नया षड्यंत्र रच रही है, पानी को रोकने का षड्यंत्र रच रही है, दिल्ली वालों को परेशान करने का षड्यंत्र रच रही है, पानी की त्राही त्राही मचाने का षड्यंत्र रच रही है, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। मैं दिल्ली के लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में 25 तारीख तक लगातार ऐसी नई नई साजिश की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी, दिल्ली के वोटरों को बरगलाने के लिए की जाएगी। लेकिन मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ, आपको आगाह करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश में नहीं आना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहती हूँ कि अब आप जितनी भी साजिश कर लो, आप जितने भी षड्यंत्र रच लो, आप दिल्ली वालों को बेवकूफ नहीं बना सकते। उन्होंने देखा है कि 10 साल में मोदी जी के सारे वादे मात्र जुमले रह गए, और दूसरी तरफ एक अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने जितने वादे किए उससे ज़्यादा वादे पूरे करवाए, और दिल्ली के लोग इस बार 7 सीटें इंडिया अलायंस को देने वाले हैं। थैंक यू। इसके लिए हम तुरंत हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो अर्जेंट एप्लीकेशन कोर्ट में भी मूव करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है इन आंकड़ों को देखकर कि इतना कम यमुना का स्तर दिल्ली में कभी नहीं हुआ है, और ये बिल्कुल चुनाव से 5-7 दिन पहले किया जा रहा है। तो पहले हम हरियाणा गवर्नमेंट को आज चिट्ठी लिखेंगे, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो ज़रूरत पड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे।